फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर फूड चैनल ड्रॉप फ्लेवर्स में। बिकॉज ऑफ दिस करंट सिचुएशन हम लोग हमेशा सोचते हैं कि हमें क्या हेल्दी खाना चाहिए जिससे अपनी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो सकती है और हम लोग हेल्दी रह सकते हैं। सो आज हम लोग आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग हेल्दी एंड सिंपल रेसिपी लेके आए। इसका नाम है इम्यूनिटी बूस्ट चाट। सो आपको नाम से ही पता चला रहेगा कि ये डिश कितनी हेल्दी है। ये डिश में हम लोग बहुत कलरफुल वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स यूज कर रहे हैं जिससे आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो सकती है और आप हेल्दी बन सकते हो एंड आप वायरस के साथ फाइट कर सकते हो। सो लेट्स गो एंड चेक विद चेतन हाउ वी विल मेक दिस डिश टुडे। आज की रेसिपी है इम्यूनिटी बूस्ट चाट। ये रेसिपी बहुत हेल्दी है एंड आई एम श्योर ये रेसिपी आपको हेल्प करेगी आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए। इस रेसिपी में मेन इंग्रेडिएंट्स है मखना, इसको इंग्लिश में फॉक्स नट्स भी कहते हैं। हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड नट्स यूज कर रहे हैं। सब इंग्रेडिएंट फुल्ली लोडेड विद विटामिन्स एंड प्रोटीन्स है, इसलिए हमें हेल्प करेगी हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट करने के लिए। इसका मेन इंग्रेडिएंट है मखना। मखना रिच इन कैल्शियम एंड प्रोटीन है, ऑल्सो लो इन कैलोरीज। फिर कॉर्न यूज़ करेंगे हम लोग। कॉर्न में मैंने हल्की सी हल्दी डाल के बॉईल किया है क्योंकि हल्दी भी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए हेल्प करता है। रेड बेल पेपर, विटामिन सी है इसमें, और मैंने कीवी भी लिया है। कीवी फ्रूट्स में भी विटामिन सी रहता है। ये दोनों इंग्रेडिएंट हमें हेल्प करेंगे इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। आलमंड भी बहुत हेल्प करता है इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट करने के लिए क्योंकि इसमें विटामिन सी, विटामिन ई, आयरन एंड प्रोटीन है। क्योंकि चाट बना रहे इसलिए मैंने चॉप ऑनियन, चॉप टोमेटो, चॉप कोरिएंडर, चिल्ली एंड लेमन यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं मैंगो भी यूज़ कर रहा हूँ। मैंगो इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि कोई भी मैं मीठी या टैमरिंड चटनी चाट में यूज़ नहीं कर रहा हूँ, इससे जो मीठी चटनी का जो फ्लेवर है वो चाट में बैलेंस हो जाएगा। पे मैं ऑलिव ऑयल यूज़ कर रहा हूँ। ऑलिव ऑयल में हल्का सा हम लोग मखना को टॉस करेंगे अराउंड 4-5 मिनट्स। मखना हमारा आज का मेन इंग्रेडिएंट इसलिए है कि रिसर्च कहता है मखना बहुत हेल्प करता है इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए कंपेयर टू अदर इंग्रेडिएंट्स। ये डाइट के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि ये लो इन कैलोरीज है। मखना रेडी है, ये जब तक ये क्रिस्पी नहीं होगा कुछ इस तरह से तब तक मखना को पकाना है। अभी मैं दिखाऊंगा इम्यूनिटी बूस्ट चाट कैसे बनाते हैं। यहाँ पे मैंने मखना लिया जो ऑलरेडी मैंने रोस्ट किया था, कॉर्न ऐड कर रहा हूँ और रेड बेल पेपर। फिर मैं ऐड करूँगा चॉप ऑनियन, चॉप टोमेटो, मैंगो। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने क्वांटिटी बताया उतना ही क्वांटिटी यूज़ करना है, आपको जो वेजिटेबल जो फूड अच्छा लगता है उसको आप ज़्यादा डाल सकते हो। पोमोग्रेनेट सीड्स यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा सा रख दिया है, गार्निश के लिए यूज़ करेंगे हम। ग्रीन चिल्ली स्पाइसीनेस के लिए, चॉप कोरिएंडर। अभी इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं। ऑलिव ऑयल 1 टेबल स्पून, सॉल्ट, चाट मसाला एंड लेमन जूस डाल के अच्छे से और एक बार मिक्स करेंगे। अगेन लेमन जूस सिट्रस है, सिट्रस भी हेल्प करता है इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। लास्ट में हम लोग ऐड कर रहे हैं कीवी। कीवी इसलिए लास्ट में ऐड कर रहे हैं कि कीवी जो फ्रूट है ना वो बहुत सॉफ्ट रहता है, पहले ऐड किया तो वो मैश हो जाएगा, इसलिए हमेशा लास्ट में ऐड करना है। हमारा हेल्थी इम्यूनिटी बूस्टर चाट रेडी है, इसको अभी हम लोग प्लेट करेंगे। फुल ऑफ प्रोटीन, लो इन कैलोरी, लॉट्स ऑफ विटामिन। डू ट्राई इट योर होम, आई एम श्योर दिस विल हेल्प यू टू योर इम्यूनिटी सिस्टम। नॉर्मली चाट में पीनट्स यूज करते हैं, यहाँ पे मैंने आलमंड यूज किया है। आपके घर में सनफ्लावर सीड्स है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। सनफ्लावर सीड्स बहुत हेल्थी है और इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए बहुत हेल्प करता है। एडिशनली आपके घर में पपाया है
या योगर्ट या ब्रोकली है, वो भी आप इस चाट में यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये सब चीज़ बहुत हेल्थी है और ये इंग्रेडिएंट हेल्प करता है इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। फाइनली मैं ये चाट गार्निश करूँगा विद सम माइक्रोग्रीन्स, एंड आई एम श्योर ये रेसिपी आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए बहुत हेल्प करेगी। सो आवर इम्यूनिटी बूस्ट चाट रेडी है, बहुत कलरफुल दिख रहा है और विथ लॉट्स ऑफ विटामिन्स एंड प्रोटीन्स। सो लेट मी ट्राई दिस। बहुत अच्छा फ्लेवर है, वो लाइम जूस एंड चाट मसाला का जो टैंगीनेस है एंड स्वीटनेस है मैंगो का, वो चिल्ली का जो पंच आ रहा है वो चाट को बहुत अच्छा फ्लेवर दे रहा है। ये चाट घर पे ट्राई करके देखना आपकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग रेसिपी। यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। फेसबुक एंड इंस्टाग्राम लिंक इज मेंशन इन द बिलो डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर ग्रेट रेसिपी। स्टे सेफ एंड एंजॉय कुकिंग।